कछुआ धीरे धीरे चल रहा होगा। अच्छा श्वेब, और क्या किया होगा कछुए ने? क्या किया होगा? खरगोश को जगा दिया था क्या?
मैम। लगा लिया था? नो मैम। या खुद भी सो गया था? नो मैम। खुद भी सो गया था क्या? नो मैम। बताओ बताओ। नो मैम। जरा दिलशाद को दिखाओ। दिलशाद, अरे बता दो। तो कुछ नहीं, चलो भाई अब ये बताएं, हम लोग आगे चलते गए, कछुआ चलता गया और खरगोश सोता रह गया। वो धीरे 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 खरगोश से आगे पहुंच गया और उसको जीतना कहाँ पे था? जब वो पेड़ के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पेड़ है और ये पेड़ के पास पहुंच गया, खरगोश अचानक से उठा, उसने इधर उधर देखा, अरे कछुआ भाई कहाँ चला गया, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है वो अभी भी पीछे ही होगा। उसने खूब तेज दौड़ लगाई, दौड़ लगाते लगाते, लेकिन कछुआ भाई तो पहले ही पेड़ के पास पहुंच गया था, पहुंच गया था। तो कौन जीत गया इस कहानी में? कछुआ। कछुआ जीत गया। तो अब तुम कछुआ बनोगी कि खरगोश? खरगोश। अच्छा जरा मुझे बताओ कछुआ कैसे चलता है, जरा चल के दिखाओ मुझे। रुक जाओ रुक जाओ, तुम चल के दिखाओ कैसे, ऐसे दिखाओ, इसको दिखाओ कछुआ कैसे चल रहा है। और खरगोश कहाँ चलेगा? तुम बनोगे, चलो तुम बनोगी, चलो बनाओ। तो इस कहानी में कछुआ जीत गया, जीत गया। और खरगोश क्यों नहीं जीता? वो अपने लिए बहुत इतराता था। हाँ खरगोश बहुत इतराता था, ये जीत गया। इसको क्या कहते हैं? खरगोश। कछुआ। कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में। पानी में भी रहता है और जमीन पे भी चलता है। जैसे मछली तो केवल पानी में ही रहती है, लेकिन जो कछुआ है वो पानी भी चलता है और पानी भी चलता है और जमीन पे भी चलता है। मछली बहुत तेज चलने, मछली बहुत तेज चलती है। तो क्या हुआ? तो उसके बाद हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, पहले ये बता। कछुआ जीत जाता है? नहीं, कछुआ तो जीत जाता है। कल मैंने कुछ बताया था कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। कछुआ है, कछुआ बहुत इतराज मारता था। कछुआ? नो मैम, खरगोश। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? कोई भी हमसे नीचा नहीं है, सब बराबर है। हाँ, सबका हमको क्या करना चाहिए? आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान। तो इसी बात पे आज हमारी कछुए और खरगोश की कहानी खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो जोर से बजाएंगे।